नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 10 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 13, जेनो नाम छे साधुपदेश। आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नों अने तेना जवाबो विषे शीखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चैनल में नवा होय तो मारी चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। वीडियो सारो लगे तो लाइक करो, शेर करो अने बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેની અંદર આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાયપોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ તેમજ વિડીયો જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 13, સાધુ ઉપદેશ। प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि भक्त गण के गण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं? तो उत्तर होगा ब, हाथ में गौमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। दूसरा, आजकल के साधुओं के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे? तो उत्तर होगा ड, अपनी पोल न खुल जाए इसके लिए मौन रहेंगे। प्रश्न दो, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? तो उत्तर है, दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लोक लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता। दूसरा प्रश्न, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? तो साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है तथा उसका सिर घुटा हुआ और सीप की तरह चिकना है। तीसरा प्रश्न, दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? तो दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाए तो उनकी पोल न खुल जाए। तीसरा प्रश्न, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है। प्रश्न तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला, ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? उत्तर, ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथों में गौमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहे, ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहे पर अंदर से छल कपट करने से न चूके, शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करे और सिर मुंडा कर चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे, मौन व्रत धारण करे, फल की इच्छा न करे, नरक की परवाह न करे और खूब पाप करे। दूसरा प्रश्न, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? उत्तर, ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं, वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं, ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता। तीसरा प्रश्न, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है? उत्तर, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भांडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। प्रश्न चार, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है पोल खोलना यानी रहस्य प्रकट करना, वाक्य है
साधु बाबा की पोल खुल गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। पहला प्रिय तो अप्रिय, नम्र तो उद्दंड, भीतर तो बाहर, भय तो निर्भयता, मौन तो मुखर। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को विशेषण बनाइए। स्वर्ग तो स्वर्गीय, चमक तो चमकीला, तर्क तो तार्किक, धर्म तो धार्मिक, देह का देहिक और नगर का नागरिक। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। नम्र का नम्रता, कोपना का केपन, गुणी का गुण, भयभीत का भयभीति। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। उपदेश का उपदेशक, धर्म का धार्मिक, झगड़ा का झगड़ालू। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणुं धोरण 10 नुं पाठ 13 साधुपदेशना स्वाध्यायना प्रश्नों अने तेना जवाबो छे ते पूरा थाय छे। आगळना पाठना प्रश्नों अने तेना जवाबो मेळवा माटे मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो, तेमज PDF जोवा माटे प्ले स्टोरमांथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु संजय पटेल डाउनलोड करो, જેમાં આપણે ધોરણ 10 તમામ વિષયની સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન તેમજ સ્વાધ્યાયપોથી સોલ્યુશનની PDF મળી રહેશે। તો આશા કરું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે પાઠ 14 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।